हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। आपके माइंड में जो भी एक स्पेसिफिक समवन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, देन उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, करंट पर्सन हो सकता है, हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक एक्स हो आपका जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम वो जानेंगे इस रीडिंग के अंदर। उसके अलावा हम आपके पर्सन का मैसेजेस भी लेंगे टूवर्ड्स यू, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे मैसेजेस में भी। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। लेट्स फाइंड आउट वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। जो भी आपके माइंड में एक स्पेसिफिक समवन है, लेट्स फाइंड आउट क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। वाओ, इट सीम्स लाइक कि खिचड़ी पकी हुई है उनके माइंड में आपको लेकर, क्योंकि इट्स लाइक कार्ड्स जो है वो जब इस तरह से शफल करते हुए जब कार्ड्स की एनर्जी इस तरह से हो, दैट मीन्स कि देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन दैट पर्सनस माइंड अबाउट यू। सो या वाओ, देयर यू गो अगेन। ओके, लेट्स बिगिन। सिक्स ऑफ कप्स। दिस पर्सन रियली थिंक्स अ लॉट अबाउट यू। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल, स्पेशली मोस्ट ऑफ द टाइम आप शायद इसके दिलो दिमाग पर छाए रहते हो, चाहे करंट पर्सन है, चाहे पास्ट पर्सन है, चाहे कोई स्पेसिफिक एक्स था जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि वो आपके बारे में आपके बारे में सोच तो रहे हैं। वो अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, ये सबके लिए डिफरेंट होगा। मिस कर रहे हैं, हो सकता है कि अपनी करंट सिचुएशन से आपकी सिचुएशन को कंपैरिजन कर रहे हो, वो भी हो सकता है। अगर स्पेशली अगर वो किसी और के साथ ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं एंड यू नो दैट। उसके अलावा अगर आपका करंट पर्सन है तो वो आपके बारे में सोच कर एक वो फीलिंग होती है ना, जब आप किसी के बारे में सोच के स्माइल कर रहे होते हैं ना, अगर आपको कोई देखेगा तो बोलेगा कि शायद दिस पर्सन इज़ अ क्रेजी पर्सन। तो उस तरह की एनर्जी हो सकती है कि योर पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट यू। अगर आप उससे रिसेंटली मिले हो या फिर आप उससे आपकी जो लास्ट मीटिंग रही हो या लास्ट कन्वर्सेशन रही हो सकता है उसके बारे में सोच के दे हैव द फ्लैशेज ऑफ इट एज वेल। तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि दे आर थिंकिंग ऑफ द गुड टाइम्स। जो आपका और आपके पर्सन का अच्छा टाइम गुजरा था उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर तो वो ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं तो डेफिनेटली कंपैरिजन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आपके साथ दे वर मोर हैप्पी। सो लेट्स टेक मोर कार्ड्स। यस, आपके साथ दे वर मोर हैप्पी। नाउ ये कार्ड उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ द गुड टाइम्स जो आप लोगों का साथ में इकट्ठे स्पेंड हुआ। उसके अलावा वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। शायद आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है, शायद आपने उनको ब्लॉक किया हुआ, उन्होंने आपको ब्लॉक किया, लेकिन दे डू मिस यू। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि अगर मिस करें तो मैसेज क्यों नहीं करते। देखो, ईगो सबकी होती है, हर किसी की होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की इमोशंस जो हैं वो ओवरकम कर जाते हैं उसको, ईगो को, और वो फिर ईगो जो है वो इतना मैटर नहीं करता। कुछ लोगों के लिए ईगो इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू ब्रेक। तो वो चीज़ हो सकती है आपके पर्सन की, वो आपको मिस करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, जो सिचुएशन है करंटली उससे वो निकल कर आपके पास आना चाहते हैं, बट सम हाउ वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि शायद उनका ईगो उनको रोकता है। या हो सकता है दे डिड समथिंग रियली बैड टू यू, जिसकी वजह से वो शायद घबराते हैं आने के लिए, आपके पास आने के लिए। ना अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो और आप उसकी फीलिंग्स जान रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी टाइम से किसी रिलेशनशिप में, एज इन कि कमिटेड वाले रिलेशनशिप में नहीं रहा होगा, और इस टाइम पर उसका दिल कर रहा है कि वो रिलेशनशिप की तरफ आए। आता है या नहीं आता ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका दिल कर रहा है उसके माइंड में, क्योंकि आप इतना ज़्यादा रह रहे हो आजकल कि उसका दिस पर्सन फील्स लाइक कि दे नीड टू गिव अ चांस टू दिस कनेक्शन। जो आपके साथ उसका कनेक्शन है, उसका दिल करे कि इस कनेक्शन में रहते हुए इसको आगे बढ़ना है, इसको आगे उसने देखना है जाते हुए। सो मुझे लग रहा है कि एक वो फीलिंग जो आपने काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस नहीं की, बींग इन अ रिलेशनशिप, बींग इन अ कमिटेड वन, बींग इन अ मैरिज, या कुछ भी इस तरह का सॉलिड जहाँ पे आपको पता है कि अब यू आर टुगेदर, वो वाली चीज़ इसने एक्सपीरियंस नहीं की काफ़ी टाइम से, और मुझे लगता है कि आपको सोच के उसको लग रहा है कि मे बी यू कुड बी द वन। लेट्स टेक मोर कार्ड्स।
पेज ऑफ पेंटिकल्स. अगर तो आपका एक्स भी है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ से आपका आपको कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई कम्युनिकेशन उसके एंड से ज़रूर आने वाली है. और अगर आपका करंट पर्सन है जिसके लिए आप ये देख रहे हो, देन मुझे लगता है कि कुछ सॉलिड आपको लगेगा कि आपके पर्सन का इंटरेस्ट जो है या आपके पर्सन का यू नो आपकी आपको लेकर एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सीरियसनेस की तरफ आ रहा है. सो ये आपको डेफिनेटली फील होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ यू नो अगर पास्ट पर्सन है तो दे वॉन्ट टू रिकनसाइल, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं. चाहे वो किसी और के साथ भी है, दे स्टिल मिसिंग यू, तो दैट मीन्स कि दे आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन. तो कहीं ना कहीं वो उस इंसान के साथ खुश नहीं है और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं. लेकिन अगर आपका करंट पर्सन है, आपके माइंड में एक स्पेसिफिक समवन है जो जिसको यू नो अगर आप किसी फ्रेंड के लिए भी देख रहे हो, तो दैट पर्सन रियली लाइक्स यू अ लॉट. वो आपको पसंद करते हैं और आपके साथ यू नो जानना चाहते हैं आपको यू नो और ज़्यादा, और ताकि वो देख सकें कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि उनको काफ़ी हद तक लगता है कि आप में वो सब कुछ है जो वो अपने पर्सन में देखना चाहते हैं. सो कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्शन में एक लेवल अप जाते हुए कनेक्शन आपको दिखेगा आपका, जो भी आपके स्पेसिफिक समवन के साथ है. वाओ, कुछ लोगों के लिए लेवल अप क्या, लाइक यू नो यू विल बी गेटिंग वेयर यू वांटेड टू गो विद दिस पर्सन. स्पेशली अगर आप इस इंसान से प्यार करते हो, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. मेजॉरिटी लोग जो राइट ट्रैक पे होंगे, उनको बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे होंगे. अगर आप वन ऑफ दोज हो, तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक और आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ एक मेजर शिफ्ट आने वाला है. और वो मेजर शिफ्ट जो होगा वो हेवनली यू नो प्रोटेक्टेड और ब्लेस्ड होगा. सो आपको घबराने की या परेशान होने की उस कनेक्शन को लेकर ज़रूरत नहीं होगी. अनीता डेक, वाओ वाओ ब्यूटिफुल, लाइक यू नो दिस इज़ अमेजिंग. स्पेशली यू नो दोनों सिचुएशन में, अगर मतलब अगर आप पास्ट के लिए देख रहे हो तब भी, अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो या करंट पर्सन के लिए देख रहे हो तब भी, ब्यूटिफुल एनर्जीज हैं. और इट्स लाइक आपका पर्सन, मुझे लगता है कि जैसे हम कार्ड शफल करते हुए जब मैं कह रही थी कि यू नो देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन दिस पर्सन यू नो माइंड अबाउट यू, सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो जो ये स्पेसिफिक समवन है, दिस पर्सन हैज़ बीन अ लॉट ऑन देयर माइंड अबाउट यू. जहाँ पे अच्छा नेगेटिव सारा कुछ यू नो जाहिर सी बात है, अगर वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाता है या आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, तो वो आपको आपकी गुड्स और बैड्स के साथ एक्सेप्ट करेगा. इट्स नॉट गोना बी लाइक कि आपकी अच्छी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ वो देखेगा और बुरी चीज़ें जो हैं जो आपको आपकी चीज़ें उसको अनॉय करती हैं उसके बारे में वो नहीं कंसिडर करेगा. दैट पर्सन हैज़ बीन थिंकिंग अ लॉट कि क्या वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप लोगों के बीच के यू नो अगर देखा जाए तो मिसमैच कह सकते हैं, या आपका आपको लेके जो उसको यू नो एक फीलिंग आती है, जो एक सेटिस्फैक्शन होती है आपके साथ होते हैं, जो आपके साथ जो गुड टाइम होता है उसका, क्या वो इम्पॉर्टेंट है या वो इम्पॉर्टेंट है जो कि नॉट सो राइट है. तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट कर रहे होंगे राइट नाउ, और उसके बाद कोई स्टेप आपकी तरफ डेफिनेटली लेने वाले हैं. लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन. मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक ऑपोजिट. हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको स्पेशली अगर एक्स की बात करें, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो. बट हो सकता है कि उन्होंने आपको किसी के साथ देखा, उनको लगा कि इससे पहले कि आप छोड़ दो वो आपको छोड़ के चले गए, या कनेक्शन एंड कर दिया. आई विश आई कुड टॉक सॉरी टेक बैक माई वर्ड्स. वो विश करते हैं कि काश वो अपने कहे हुए वर्ड्स जो हैं वो उनको वापस ले सकते, या उन्होंने उनके जो एक्शंस थे उनको यू नो रिवर्स कर सकते हैं. जस्ट बींग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग. वो आपको बहुत मिस करते हैं यू नो टू द पॉइंट जहाँ पे उनको लगता है कि आपके पास होना, आपका साथ होना ही इज़ सो इंटॉक्सिकेटिंग फॉर देम. मुझे लगता है कि आपका सेक्सुअल कनेक्शन भी रहा होगा, और आपकी प्रेजेंस उनको एक डिफरेंट लेवल पे ले जाती है, एक डिफरेंट यू नो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में ले जाती है, विच इज़ सो गुड फॉर देम. और वो चाहते हैं कि वो फिर से रीलिव करें ये मोमेंट्स आपके साथ. So let's see more messages. और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन. I want you now and forever. ये आपको अब भी चाहते हैं और हमेशा के लिए भी चाहते हैं. I mean they want to take it to the next level with you basically. I am more affected than you know. इनका जो आपका जो ब्रेकअप हुआ था उससे आपको लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, लेकिन आपका पर्सन भी उतना ही अफेक्ट हुआ था. जस्ट दैट मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड, मे बी यू डोंट रियलाइज दैट. आपको लगता है कि आप ज़्यादा लव करते हो इनको, ये नहीं करते. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि हर इंसान के लिए जो एक यू नो क्या बोल सकते हैं उसको, प्यार करने का तरीका डिफरेंट होता है किसी का. यू नो जैसे मदर और फादर का हमेशा डिफरेंट होता है. मदर इज़ लाइक मोर एक्सप्रेसिव, फादर इज़ नॉट.
फादर इज़ मोर प्रोटेक्टिव, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसा प्यार हुआ. यू नो दोनों का प्यार है, बट जस्ट दैट कि उनका लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ कमिटमेंट, लेवल ऑफ क्या, यू नो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ, यू नो बोथ पेरेंट्स लव. नाउ इसी तरह से कुछ लड़के, कुछ लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं जो कि अनएक्सप्रेसिव टाइप की होती हैं. नॉट दैट कि वो प्यार नहीं करती, जस्ट दैट कि दे आर मोर लाइक, उनको एक अपना मास्क ऑन रखना होता है फॉर वट एवर रीज़न. उनको जो भी, यू नो उनको शायद वो सिक्योर लगता है नॉट टू शो देयर इनर साइड. तो वो भी चीज़ हो सकती है आपके पर्सन की. हो सकता है कि वो ईगो इशूज़ हों उसके अंदर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दैट डजन्ट मीन कि वो पर्सन आपको प्यार नहीं करता. जस्ट दैट शायद वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है. अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग अपने लिए तो बहुत, यू नो वो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल्स इमोशंस वो इतने सेंसिटिव नहीं होते, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं वो खुद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन. आप अपनी लाइफ में वही रियलिटी बनाते हो जो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम करते हो या इमेजिन करते हो. तो मेक श्योर कि आप अगर अपने अपने इस पर्सन के साथ कुछ सोचना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप अच्छा पॉजिटिव ज़रूर सोचो, ज़रूर यू नो विजुअलाइज करो इस इंसान के साथ, ताकि वो अच्छा आपकी रियलिटी बन जाए. लेट्स सी चार्म्स ना, लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं. यू आर माइन, ऑल माइन. आपका पर्सन, यू नो दिस इज़ व्हाट दे वांट विद यू बेसिकली. अल्फाबेट्स में हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं सिर्फ, विच इज़ एफ एंड ई. आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं. आई चूज स्ट्रेंथ. मुझे लगता है कि आपका पर्सन, जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, अगर पास्ट पर्सन है तो उसने उसके लिए इम्पॉर्टेंट था टू पार्ट वेज. क्यों इम्पॉर्टेंट था मुझे नहीं पता, डिफरेंट होगा सब लोगों के लिए. हो सकता है कि उसके लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों, उसका कैरियर गोल्स, उसके ट्रैवल गोल्स, उसकी वर्क गोल्स, उसकी एडिक्शंस, उसका पैशन, उसका यू नो वो चीज़ें उसके लिए ज़्यादा मायने रखती थी, मीनिंगफुल थी. नाउ अब वो स्टेज पे है अपनी लाइफ में जहाँ पे उसको प्यार चाहिए. एंड व्हेन दे वांट लव, दे थिंक ऑफ यू ओनली. तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है. कुछ लोग, हो सकता है कि आपके पर्सन, आपका पर्सन या आप शायद लंदन में रहते हो. इफ़ नॉट, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि हो सकता है कि आप यूके वाली साइड पे, मे बी आफ्टर आफ्टर यू गेट मैरिड टू ईच अदर, हो सकता है कि आप यूके वाली साइड पे ट्रैवल कर जाओ. अफर्मेशंस अगर आप यूज़ करोगे इस सिचुएशन में टू स्टे पॉजिटिव, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी. अपने वर्ड्स को, डू वॉच योर वर्ड्स, जो आप वर्ड्स यूज़ करते हो सेल्फ टॉक में या फिर ओवरऑल भी जब आप अपने फ्रेंड्स से अपने लव लाइफ के बारे में बात करते हो, मेक श्योर कि यू स्पीक पॉजिटिव अबाउट इट. कभी भी जो गलत चीज़ें होती है ना, अक्सर हम लोग क्या कहते हैं कि आपकी लव लाइफ में कुछ बुरा चल रहा होता है, यू शेयर इट आउट विद एवरी वन. वो एनर्जी और एक्सपैंड होती है. जब कुछ यू नो अच्छा चल रहा होता है तो देन यू टेंड टू हाइड, क्योंकि आपको लगता है कि नज़र लग जाएगी, बुरा हो जाएगा कुछ. तो देर इज़ अ डिफरेंस देयर. अगर आप कुछ अच्छा नहीं शेयर कर सकते तो डोंट शेयर इट आउट. कुछ चीज़ों में यस नज़र लगती है, कुछ चीज़ों में आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन नेवर स्पीक इल ऑफ योर लव लाइफ, क्योंकि अदरवाइज वो फिर एक्सपैंड होती है एनर्जी. सो डोंट डू दैट. जैसे आप वो भी हाइड करते हो, वो भी हाइड करो, दैट्स परफेक्टली फाइन. और दूसरी एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी से अपनी लव लाइफ के बारे में शेयर करते हो, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएगा. वो आपकी सिचुएशन या आप दोनों का जो बीच का कनेक्शन है वो उसको कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा. तो मेक श्योर कि आप किसी और का जो यू नो ओपिनियन है उसको अपने ऊपर नहीं हावी करो, क्योंकि आपका ओपिनियन आपके एक्सपीरियंस से बेस्ड होगा. उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपीरियंस, यू नो उसके उसका ओपिनियन उसके एक्सपीरियंस से बेस्ड होगा. सो मेक श्योर कि डोंट you know let them influence you or your decisions in love. So mujhe lagta hai ki kafi sari cheeze aisi hain jo ki is connection mein let me take one card from the charms just to see ki kya cut off karne ki zarurat hai aapko. पास्ट जो है, आप दोनों का जो है, जो भी आपका साथ रहा या दूसरों के साथ रहा, वो ख़त्म हो जाएगा. अगर उसका कोई इन्फ्लुएंस था आपके पास का विद अदर पीपल, उनके पास का विद अदर पीपल, वो ख़त्म होगा और आप दोनों साथ जब आओगे तो इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग यू नो आप दोनों के लिए. अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो तब भी मुझे लगता है कि आप दोनों के जो भी पास्ट हैं वो आप दोनों एक दूसरे को जज नहीं करते. उसकी बेस पे कहीं ना कहीं यू आर लेटिंग द पास्ट गो और एक नया कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे. और अगर आपका ऑलरेडी कनेक्शन है इस इंसान के साथ तो यू आर डूइंग दैट राइट नाउ एज वेल. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय.